आज के वीडियो में हम आगे फिर से टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, दुनिया से तुझको चुरा के टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। यदि यदि आप इस साउंड पे इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल एक वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह के। वीडियो जब भी शूट करेंगे जो जियो जिस कलर के आप शॉर्ट या टी शर्ट आपने पहन रखे वही कलर आपको बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक और एक काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहां पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को 15 से 20 सेकेंड के आसपास कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया था, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, वीडियो पर प्रेस करेंगे, ऐसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पर आना है जहाँ पर आपका वीडियो खत्म हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पर खत्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो बैकग्राउंड को भी मैं ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल साइज में कर देना है। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद यदि आपको फिल्टर कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी कलर चेंज कर दिया हूँ। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद क्या करना है, सिंपल वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है और कलर की पे क्लिक करेंगे। कलर की पे वही क्लिक की सेलेक्ट आपको करना है जो जिस कलर का टी शर्ट या शॉर्ट आपने पहन रखे है। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का पहन रखा हूँ तो रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं फेस पर भी ब्लैक आ रहा है। तो आपको फेस को सही करने के लिए क्या करना है, शो मास्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करना है, जो आपको टी शर्ट या शॉर्ट आपने पहने वो ब्लैक कलर का दिखना चाहिए और बाकी का पार्ट वाइट दिखना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल सही तरह से एडजस्ट मैंने कर दिया हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद एक बार मैं फिर से शो मास्क पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वीडियो अब कुछ इस तरह से देखने को मिल जा रहा है। इसके बाद डन करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखे हैं, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है जो जो जहाँ पर आपको टी शर्ट या शॉर्ट दिख रहा है। तो मैं कुछ इस तरह से जूम कर एडजस्ट कर देता हूँ। थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है ट्रिम टू राइट कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरह से भी कम बेस कर सकते हैं। तो मैंने ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को हमें ऑफ कर देना है और हमारा जो वीडियो है उस वीडियो में कुछ साउंड होता है तो ओरिजिनल साउंड का आपको म्यूट कर देना है। तो मैं अपने वीडियो को ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे, उसी वीडियो का साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।